भाई मैप सेट हो चुका दिल्ली के लिए, और डिस्टेंस की बात करें तो गाइस दिखा रहा है 144 किलोमीटर दूर है। चक्कर 144 किलोमीटर 2 घंटा 52 मिनट, तो मान लो 3-4 घंटे लगने वाले हैं। चलो 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 चलो, अभी हाईवे नहीं आया, हाईवे अभी ज्वाइन होगा आगे जाके। A few inches later. फाइनली गाइस हमने भाई कनेक्ट कर लिया है मेन हाईवे को, जो कि होने वाला अपना चेन्नई दिल्ली एक्सप्रेसवे। यहाँ से दिल्ली बिल्कुल सीधा 138 किलोमीटर, और मोहित भाई फुल टशन में, हम भी फुल टशन में, सारे राइडर फुल टशन में। बट ये लोंडा सामने से कहाँ से आ रहा है, ये फुल टशन में नहीं है भाई। यहाँ पर भाई स्टार्टिंग होते गए ढाबे 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 ढाबे, अगर हमने खाना होगा तो भाई पहले रुक लेंगे। और दिल्ली जब आने वाला था 60-70 किलोमीटर पहले, भाई एक ढाबा नहीं आता, दो बार तक एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। यहाँ पे इंडियन ऑयल आ चुका है, यहीं से डलवा लेते इससे पहले भाई खत्म हो जाए, और हाईवे पे लाते लगाने में हालत ख़राब हो जाता, यहीं से पेट्रोल फुल करवाते फुल टैंक, एंड फिर तो गाइस कोई टेंशन नहीं है दिल्ली के लिए। तो ये अपना अभी तक का सेकेंड फ्यूल अप होगा, पहला हमने करवाया था दिल्ली में जो कि अभी तक चल ही रहा है, दूसरा भाई होने वाला अपना जस्ट मथुरा से निकलते ही। यहाँ भी गायब है क्या पेट्रोल वाला, यही सीन है गाइस, पेट्रोल पंप पे भाई बंदे ही नहीं है, फुल टैंक। जीरो कर देना, ठीक है, देखना बाहर ना गिरे, ठीक है, पहले रोक देना थोड़ा सा, कोई नहीं, कम से कम गिरे देख लेना बस, 450 तक में भर जाए भाई, 350 तक गाइस आ चुका भाई, बस कम कम, अब थोड़ा और डालिए, बस बस रंदो रंदो, ठीक है ठीक है। तो लो भाई यहाँ पे फुल टैंक हो चुका 487 रुपये, काट कर दो ना भाई, गोप्रो चार्ज हो रहा था क्योंकि बैटरी इतनी शॉर्ट हो गई ना, अब जाके भाई 46% कर लिया, तो यहाँ से भाई मोटो व्लॉग थोड़ा शूट कर पाएंगे पूरे दिल्ली तक। और गाइस टाइम अपडेट की बात करें तो भाई टाइम हो चुका है आपका 8:29, हमने अभी तक ब्रेक भी नहीं लिया, सारे बंदे यहीं पे वेट कर रहे हैं, एक ब्रेक भी अपने को चाहिए होगा, या तो टी ब्रेक होगा या फिर कुछ खा लेंगे, वरना नॉन स्टॉप भाई 3-4 घंटा गाड़ी चलाया बिना कुछ खाए, सुबह के उठे पड़े 3:30 का दिक्कत हो जाएगा। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से, पहला होटल जो भी आएगा वहाँ पर रुकेंगे, चाय पीना होगा चाय पियेंगे, कुछ खाना होगा हल्का हल्का वो भी खा लेंगे। चलो तो चलो गाइस निकलते हैं फटाफट, 95 या 93 किलोमीटर और कवर करना है, अगर हमने भगाया यहाँ पे 80-90 तो पहुँचने के बाद 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन वो फिर भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, अपना पेट्रोल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, गाड़ी पे भी इफेक्ट आएगा, नॉर्मली चलेंगे गाइस आराम से 60-70 60-70 80 करके। अब गाइस सामने क्या दिख रहा भाई साहब, ओह माय गॉड, हमारा फेवरेट शिवा ढाबा, लेकिन भाई खुला है नहीं खुला, अरे यार खुला है या नहीं समझ में नहीं आ रहा भाई, ये तो अंदर बना रखा पूरा, बंद है शायद, मैं पोस्टर देखा खुश हो गया था, बंद है वो शायद, देखियो अबे भाई साहब इतने ज़्यादा गाइस खुश हो गए तो भाई ये देख के इतना बड़ा पोस्टर की, चलो भाई बड़ा बड़ा सा कुछ अच्छा होगा होटल, बट यहाँ पे भाई सीन गड़बड़ है ही नहीं, अंदर बंद कर रखा है ब्रो, बंदा निकल के तो आज देखते हैं भाई आगे, रिस्क लेके मिल जाए तो ठीक है, दिक्कत यह है ना कि भाई जैसे तो जाते रहते ना, एक भी ढाबा बीच में आता ही नहीं, पता नहीं क्या सीन है भाई, आपको मैंने दिखाया भाई बोर्ड 90 किलोमीटर का, इसका कम नहीं होता भाई, दिल्ली यहाँ से का 90 किलोमीटर दूर है, बट बीच में भाई इधर ढाबे का इतना अकाल पड़ा होता ना समझ में ही नहीं आता। जैन असली शिकंजी रेस्टोरेंट भाई, ये तो स्पेशली का शिकंजी है, खाना भी है ना, चलो 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 चलो, कहाँ लगा दे, थैंक यू अंकल थैंक यू भाई, मुझे इसको देख के लगा गया इसकी स्पेशली शिकंजी है, बट भाई नाम ऐसा है खाना मिल जाएगा, तो चलो भाई अच्छा है, और जैसा हमने सोचा था भाई वैसा ही मिला अपने को, जैन असली शिकंजी, ओह माय गॉड, ऐसा ही कुछ चाहिए था भाई, इतना अच्छा जो इन्वायरमेंट होता ना यहाँ पे भाई, आराम से अपना खाना पीना सब कुछ हो जाएगा सही हो भाई, अगर एम मिस हो जाता भाई मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट मिलने वाला था। A few moments later. से पंगा ले रहा, अभी तो स्पीड मोड में है, रेस में डालूंगा ना गायब हो जाएगा, डाले क्या, चलो लो अभी देखो भाई, कहाँ यार देखो क्या बोलते ब्रो, भाई साहब विद सैडल बैग गाइस 100 चले आ रही है, पीछे ही है देखो, आंडो आंडो ये ना, वन सेकेंड लो, फिर से बेताल आगे, क्या बोलते ब्रो पीछे,
97 भी सेट है लैग भाई साहब, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, जान दो एक बार और जान दो भाई। पूरी भगा रहे, बट पता नहीं किसमें भगा रहे, पारो भगा रहे, स्टेट में भगा रहे भाई। हम कहाँ थे, हम रेस में थे भाई। देखो रेस सबसे पीछे रहेगा, अभी तीन राइडर अपने आ गया, चलो सबको करते पीछे। ये अपना भाई बंधु एक्सपी, ये अपने भाई अपोजिट एक्टिवा, और वो रहा गाइस अपना कॉम्पिटिटर एरा। देखो फ्लाई वाई पड़ेगा ना, हिल जाएगा बंदा भाई साहब, जमीन आसमान पीछे रहेगा। ट्रक वाले ने ले लिया यहाँ पे लेफ्ट, अच्छी बात है भाई, इंडिकेटर दोगे तो दूर से बंदा समझ जाता ना, एकदम से मोड़ लोगे तो भाई हो जाएगी ऐसे ऐसी हमारी। ये अच्छा बात है, ऐसा ही करना चाहिए भाई सभी को, चाहे हम हो कोई भी हो। आने देते गाइस एक्सटी को, आने देते फिर से, आने देते बंदा फिर से आ रहा है, रेस लगा दे भाई। अभी लग रहा भाई दिल्ली जाते आते ना ये रेस लगाता रहेगा मुझसे। कोई नहीं, पेट्रोल तो है ही है, खैस देंगे, दिक्कत नहीं है गाइस। मोहित भाई की उताव में आ गए, मोहित भाई, अच्छा मोहित भाई, भाई साहब एक्टिवा वाला हमारे एंटॉक से पंगा एक्टिवा। तो अभी गाइस मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे अपना टोटल भाई माइक काम करना बंद कर चुका है। वैसे हम गाइस दिल्ली में एंटर कर चुके थे यहाँ पे, और जो लाइन से इंडियन फ्लैग दिख रहे हैं ना भाई, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और हमें मज़ा आ रहा। बट जो सच बोलो भाई, यहाँ तक आते आते हमने नाइट में स्टार्ट की थी मथुरा से, सच में भाई बहुत बुरा हाल हो गया सर, ऐसे घूम रहा है सभी का ना कि चलाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि भाई बस छोड़ दो। बट जो फ्लैग है अभी यहाँ पे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट सच में गाइस काफ़ी थक चुके थे और दिल्ली में हमने एंटर ले लिया है, और ये माइक पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। बट रिसेंट मैंने अभी संडे राइड किया, वहाँ पे मैंने फिर से माइक को यूज़ किया भाई, फिर से माइक काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कभी काम कर रहा कभी ख़राब हो रहा है। बट अभी इस वाले राइड पे ना, मथुरा राइड पे घर आते आते भाई माइक बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था, इतना ज़्यादा साउंड आ रहा ना कि आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा काफ़ी ज़्यादा साउंड। कोई नहीं गाइस, जैसे जैसे करके हमने दिल्ली भाई एंटर ले लिया, और अभी यहाँ से ना सारे राइडर अपने अपने घर जाने वाले हैं। मोहित भाई तो हमारे साथ ही जाएंगे, रतन भाई अलग चले जाएंगे, राज भाई अलग चले जाएंगे, और मैं मोहित भाई साथ में जाने वाले घर। तो यहाँ से अगर टोटल किलोमीटर की बात करें तो अभी तक गाइज मैंने बेताल में चेक किया 360 किलोमीटर गाड़ी अपनी चल चुकी है, प्लस यहाँ से अपना जो घर बच रहा है 25 किलोमीटर बच रहा है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे ट्रिप ए में, तो भाई टोटल अपना पड़ गया 385 किलोमीटर के आसपास पड़ा, तो आप मान सकते हो भाई लगभग 400 किलोमीटर का ये अपना राइड हुआ है। तो काफ़ी मज़ा आया, बट वही है थकान इस राइड में ज़्यादा हो गई, क्यों, क्योंकि हमने नाइट में दिल्ली से निकले, रात को एक दो घंटा सोया वहाँ पे मथुरा में, फिर वापस गाइस हम निकल चुके हैं भाई मथुरा से दिल्ली के लिए रात में 3:30 बजे तक। तो इस तरह से अभी ना बहुत बुरा हाल हो चुका, तो सभी चलते भाई अपने अपने घर, देन जाएंगे रेस्ट करेंगे। तो गाइस इस ट्रिप को यहीं पे एंड करते हैं, जो कि दिल्ली टू मथुरा का ये लास्ट एपिसोड था। होप गाइस आपको सारे एपिसोड भाई अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो वीडियो गाइस लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि आपको भाई व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।